ठीक है फर्स्ट डिस्कशन इज एक नया प्रोपागैंडा स्टार्ट हुआ है इंस्टाग्राम पे बाय समबडी आई डोंट नो किसने किया है शुरू बट किसी ने तो किया है इज अबाउट वी नॉट रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द अंडरडॉग्स जो क्राफ्टन से एरर हुआ है जो भी एरर हुआ है सो so, मैं जिन्होंने वॉइस रेस करी है पहले तो उनसे पूछूंगा और वो अंडरडॉग से पूछूंगा कि टीम एडबिट के साथ दो साल पहले सेम चीज़ हुई थी सेम एंड तब हम कुछ नहीं कर पाए थे खुद के लिए भी इस बार टीम एडबिट के बीजेस के राउंड थ्री के स्लॉट में तीन टीम बैन हुई है जो हैकर थी उनकी वजह से उनकी गेम्स भी बैन हुए ख़राब हुए हम अपने लिए खुद नहीं कर पाए एंड यू गाइज एक्सपेक्ट अस टू गो आउट ऑफ द वे एंड स्टोरी शेयर करके हल्ला मचाने से कुछ होना जाना है नहीं बिकॉज जिस हिसाब से क्राफ्टन काम कर रहा है उस हिसाब से उस हिसाब से आई थिंक आई मीन लाइक इट्स अ बिग वर्ड्स बट आप लोग को लगता होगा कि हम लोग बहुत ईजीली सब चीज़ों के लिए एक्सेसिबल है बट वैसा नहीं है आशीर्वाद दे दो लोडियस चल रहे हैं जोडिय का आशीर्वाद तो यू तो उस एजेंडा को चलाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस उस एजेंडा में एक सज्जन का मैंने कुछ सुना कुछ मेरे पास एक को आया था जो कहते हैं कि इनको वोट वोट मत करो जो हम लोग ई स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है तो पहली बात तो भाई जी ई स्पोर्ट्स अवार्ड कोई हम लोग का अपना अवार्ड नहीं है इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्ग फ्रॉम अ कंट्री ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म तो आप लोग वैसे तो बहुत एंटी नेशनल और बहुत नेशनलिज्म की बातें करते हो तो ये क्या इंटरनेशनल हरकतें नहीं हुई कि आप जाके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और बोल रहे हो कि वोट ना करें एंड अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि ये शेयर करो फैला दो इस बात को कि जाके कोई वोट वोट देने की ज़रूरत नहीं है हाँ आप लोकल अवार्ड्स में मत दो वोट लोकल चीज़ों में सपोर्ट मत करो चलेगा बट अगर आप लोग एस टी को गवर्नमेंट समझते हो तो वो बहुत बड़ी गलती है आप लोग की एंड ये जो नेता बन के आया ना आई नो ये किसके सपोर्टर्स है और इनको जो मौका मिला है एस ए टी एल को बीच में टान के एस ए टी एल अवार्ड को बीच में डालने का दिस इज़ दी वियर्डेस्ट एंड द मोस्ट एब्सर्ड थिंग आई हैव सीन ऑन इंटरनेट कि कुछ नहीं है तो हमारा इंडिया का इंडियन ई e स्पोर्ट्स का जो है नाम रोशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे जहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कंट्री को ये जाके सज्जन और इनका ग्रुप और कुछ अंडरडॉग्स को ये साथ में मिला के बोलते हैं कि वोट नहीं कराना इनको और हमको स्टोरीज में टैग कर रहे हैं फुल बेशर्मी से ठीक है हमको स्टोरीज में टैग भी कर रहे हैं कौन स्टोरी डाला पता नहीं कोई बंदा है तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और बहुत सारे एंड तो पहली बात तो एस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स हम लोग का ठेका नहीं है कि सब जो है हम लोग उठा के जो है क्राफ्टन के भी वो करें हम लोग अपनी एडमिट के लिए कुछ नहीं कर पाए अगर हमको करना होता तो हम अपनी एडमिट के लिए नहीं कर लेते उनको क्वालिफाई नहीं करा लेते एंड ये जो एजेंडा जो अंडरग्र्ड चला रहे हैं कुछ कुछ स्पेसिफिक सेट जिनके साथ गलत हुआ है मैं उनके लिए भी बुरा नहीं बोलता उनकी मेहनत थी दो साल की उन लोगों के साथ गलत हुआ है तो यार आप लोग ये देखो कि हम लोग के साथ भी तो कितनी बारी गलत हो जाता है हम लोग के साथ भी तो हम लोग उसमें क्या कर पाए आज तक उस उन सिचुएशन से कैसे निकल पाए हम लोग उस लेवल की पॉलिटिक्स या नीचता में नहीं जा सकते या हम लोग घुस जाए क्राफ्टन वालों के ऑफिस में चले जाए या उनके यू नो सुपर्स को ऑफिशल्स को जा जाके मतलब तो मैं आगे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता बट हम लोग अपना काम करते हैं काम से सिर्फ अपना मतलब रखते हैं और जितना काम हो सके अपने लेवल पे उतना करने की कोशिश करते हैं रही बात इस मैटर में तो जब स्नेहिल वाला मैटर उठा था रिगार्डिंग टीम मायावी तो हमने अपने एंड से इंटरनली जितना भेज पाए थे भेज दिया था कैप्टन के पास कुछ हुआ आप बताओ मैं मेरे पास सारी चैट्स और सारे स्क्रीनशॉट्स और सब कुछ है मैंने भेजा थे अपने हाथों से टॉप ऑफिशियल से लेके नीचे तक कुछ हुआ तो आप लोगों ने तो ठेका डाल दिया है पे पर और फिर जाके आप लोग एजेंडा चला देते हो इंटरनेट पे और जो एजेंडा चला रहा है वो भी मुझे पता है किसका फ़ैन है वो स्टोरी में भले ही बोले कि नहीं मेरा ऐसा कुछ लेना देना नहीं है बट एजेंडा तो एजेंडा ही है वो चला रहे हैं और चला रहे इतना बेशरामा इंसान है और साथ में लोगों को इन्फ्लुंस कर रहा है कि एस को कहा वोट मत करो स्पोर्ट्स अवार्ड में अरे आप मत करो डोमेस्टिक में वोट मत करो ये बोलो डोमेस्टिक में सपोर्ट मत करो उनको वाचिंग मत दो अनसब्सक्राइब कर दो ये चलेगा आपको चलाना है ऐसा एजेंडा चलाओ ये सब चीज़ें चलेगी बट सैगी सैगी जैसा बंदा खेल रहा है हम लोगों ने बोला ये वॉट इज हैपनिंग हम लोगों ने, ने उसके लिए भी आवाज उठाई बट कुछ हुआ कुछ हुआ नहीं हुआ ना तो चीज़ें तो हमको भी दिखती है जो गलत है हम लोग उसके लिए आगे भी बात करते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें हमारे फेवर में हैं हम क्राफ्टन तो चला नहीं रहे ना अगर आप लोग कोई डिसएग्री करें तो बोल रहे आर्मी लॉट्स ऑफ लव थैंक यू सो मच भाई कैसे फराज खान नाइट थैंक यू सो मच ठीक है और उस आएगी जैसे की वो देखो कि मैं स्टोरी लगाते हैं कि मैं सोल के ग्रुप में आऊँगा ये वो करूँगा ऐसा वैसा भाई एथिकली तो एथिकली किसी भी गेम को उस बंदे को परमानेंट बयान देना चाहिए था बट स्टिल अभी चलो जो है उसको जाने दो बट मैं सिर्फ ये कहूँगा जो भी सज्जन है और वो अंडरगार्ड्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं मैंने अपना पक्ष रख दिया कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जाके सपोर्ट करें हम लोग जाके ऐसे करें हम लोग जाके आप लोग भूल जाओ कि इन चीज़ों से कुछ होने वाला है अगर आप लोग अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे ना तो कोई आपके लिए आके नहीं लड़ाई लड़ने वाला और एस क्यों भाई और बीस और गए ना सबको टैग करो उसके बाद आप लोग ये एजेंडा चलाते हो कि ई स्पोर्ट्स अवार्ड में मतलब तो कितनी बेशर्मी की बात है आप लोग बातें करते हो नेशनलिज्म की सबसे बड़े एंटी नेशनलिस्ट तो आप हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो हम लोग क्राफ्टन थोड़ी है भाई हम लोग क्राफ्टन थोड़ी है नंबर वन कंग्रेचुलेशन शेर well है यार बड़ी खुशी की बात है यार स्काउट के लिए बहुत खुश हूँ चारों प्लेयर्स के लिए बहुत खुश है बहुत ही खुशी की बात है ये जो तो एजेंडा चलता है चैट में हेट दो इन पे ध्यान दो और ज़्यादा भुगते हैं देखने वाले देखेंगे इन जैसे को सुन बात इट्स नॉट अबाउट बाकिंग और थिंग इट्स अबाउट वॉट एवर इज गोइंग ऑन मेरे को एड्रेस करना ज़रूरी था आई फेल्ट इट्स द नीड ऑफ एन आर वो ये सब बातें बोलते एस ए को अनसब्सक्राइब कर दो एस को सपोर्ट मत करो समझ में आता है ठीक है आप लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं वैसा निकाल लीजिए समझ में आता है बट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जहाँ पर हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे ये सब बोलना इट्स लाइक इट्स लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा गिरी